Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about political empowerment of women. And this topic is important from our syllabus, paper 3, governance point of view. And it can also be useful for paper 2, Indian society questions, especially on questions on women. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं. तो देखिए, एक बात बार बार ऐसी कही जाती है या मानी भी जाती है कि विमेन का अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया जाए तो ओवरऑल विमेन एम्पावरमेंट को फ़ायदा मिलेगा. मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने से मतलब है कि विमेन को अगर लोकसभा में, राज्यसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स अगर वहाँ पे विमेन कम्युनिटी के हो पाएँ तो फिर विमेन के लिए भी प्रो विमेन लॉज बन पाएंगे और ओवरऑल फिर धीरे धीरे सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट विमेन का इंश्योर हो पाएगा. तो माना जाता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ प्रायर टू सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और इसके लिए कई सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया था 2008 में. देखिए, अभी तक ये बिल है, अभी तक ये पास नहीं हो पाया है, लेकिन ये बिल को बार बार डिस्कस किया जाता है और इसको इन वन और द अदर फॉर्मेट सूनर और लेटर पास कर दिया जाएगा. इस बिल के हिसाब से विमेन के लिए लोकसभा के अंदर 1/3 सीटें रिजर्व की जाएंगी और बाकी तमाम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी विमेन के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की जाएंगी. अभी तक ये पास नहीं हुआ है, बट ये इशू लगातार डिस्कस होते रहते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर. उसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में या अर्बन लोकल बॉडीज में जैसे म्यूनिसपैलिटीज़ वगैरह में विमेन के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 243D ensures that 1/3 seats will be reserved for women in panchayati raj institutions, while article 243T ensures that 1/3 seats will be reserved for women in urban local bodies, municipalities वगैरह में. तो लोकल बॉडीज़ में अभी रिजर्वेशन है विमेन के लिए मिनिमम 1/3, बढ़ा करके उसको 50% तक भी किया जा सकता है, लेकिन अभी लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बस ये प्रपोजल है. और पूरा का पूरा पर्पज़ क्या है कि विमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बढ़ाई जाए, ओवरऑल इट विल लीड टू सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन. लेकिन अब थोड़ा और अगर एनालिसिस किया जाए, देखा जाए कि लोकल बॉडीज़ में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में या अर्बन लोकल बॉडीज़ में विमेन को पॉलिटिकली एम्पावरमेंट देने से क्या सच में उनके स्टेटस में फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमें पता चलेगा कि कुछ खास फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ है. नॉट मच पॉजिटिव आउटकम हैज़ बीन देयर और आउटकम हैज़ रिमेंड लार्जली सबड्यूड. क्यों, वो भी ज़रा समझते. देखिए, हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये बात तो आप सब जानते हैं, इंडियन सोसाइटी खासकर रूरल एरियाज़ में. तो होता क्या है कि विमेन के लिए अगर कोई सीट रिजर्व भी कर दिया गया, कोई एक पर्टिकुलर गांव वाला एरिया, पंचायत एरिया डिक्लेयर कर दिया गया कि ये विमेन के लिए सीट है, रिजर्वड है, तो वहाँ से जो सारी विमेन कंटेस्ट करती हैं उनमें से जो भी विमेन जीत करके आती, वुमेन जीत करके आती है, उसका जो हस्बैंड होता है या जो भी मेल काउंटर पार्ट है उसके फैमिली का, वो तमाम डिसीजंस लेता है और विमेन को अल्टीमेटली कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उनके स्टेटस में. फॉर एग्जांपल, इस इमेज की मदद से समझिए, काफ़ी प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है, पॉपुलर कॉन्सेप्ट है रूरल एरियाज में, जिसको कहते हैं सरपंच पति कल्चर या सरपंच पति फिनोमेना. फॉर एग्जांपल, ये जिस मान लो एक गांव है और ये गांव को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये गाँव की जो सीट है सरपंच की, दैट विल बी रिजर्व फॉर विमेन. तो अब ये आदमी है, इसने अपने वाइफ को इलेक्शन में खड़ा करा दिया, इसकी वाइफ जीत भी गई, लेकिन अभी भी इसकी वाइफ के लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है और ये आदमी अपने आप को सरपंच पति कहता है एंड ही इज़ ट्रीटेड लाइक सरपंच हिमसेल्फ. जो गांव के लोग आते हैं वो इससे मिलते हैं, इसको सरपंच साहब बुलाते हैं. तो ये होता है सरपंच पति कल्चर. तो नाम का खाली इलेक्शन होता है, नाम का विमेन मेम्बर जीती हैं, लेकिन अल्टीमेटली द पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द मेल काउंटर पार्ट और इस कारण से विमेन के पॉलिटिकल स्टेटस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और इस कारण से इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस में भी फर्क नहीं पड़ता.
उसके अलावा जो हमारा पैट्रियार्कल कल्चर है, खासकर रूरल इंडिया में, उस कल्चर के कारण बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं विमेन को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में, एज ए लीडर, एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. फॉर एग्जांपल, कल्चर कैसा है कि विमेन शुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. दूसरा कल्चर है कि विमेन को हमेशा घूंघट में रहना है. अब इन सब तमाम लिमिटेशंस के कारण, दीज आर द पैट्रियार्कल लिमिटेशंस, इन लिमिटेशंस के कारण विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं एज एन इलेक्टेड लीडर. उसके अलावा विमेन हमेशा पंचायत मीटिंग से एबसेंट ही रहती हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में लोगों के बीच में जाना अच्छा नहीं माना जाता है. उसके अलावा उतनी लिटरेट भी नहीं है, उनको उतना अवेयरनेस भी नहीं है कि कैसे पंचायत के डिसीजंस लें, उनको कुछ पता ही नहीं है. तो फिर वो जाकर के करेंगी क्या? और फिर ये इस तरह के लोग होते हैं सरपंच पति टाइप, ये लोग कहते हैं कि ठीक है तुम घर में ही रहो, मैं जाकर के सब संभाल लूँगा. तो इस तरीके से कोई खास फ़र्क, पॉजिटिव आउटकम होता नहीं है, और या फिर अभी तक हुआ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है डिस्पाइट हैविंग रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लोकल बॉडीज. तो कुछ स्टेप्स भी लिए हैं भारत सरकार ने. भारत सरकार बहुत ज़्यादा इस पे डिटरमिंड है कि ये जो सरपंच पति वाला कल्चर है इसको धीरे धीरे ख़त्म करना है. बहुत सारे स्टेट्स ने देखो रिजर्वेशन वीमेन के लिए बढ़ा भी दिया है, 50% तक कर दिया, फॉर एग्जांपल बिहार. उसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप महीने में एक दिन तो कम से कम जो भी इलेक्टेड वेमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रूरल एरियाज़ की, अर्बन एरियाज़ की, उनकी आप ट्रेनिंग कराएंगे. तो आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के ऑफिस में हर महीने में एक दिन इस तरह का अलॉटेड रहता है. मान लो कि हमारा नगांव डिस्ट्रिक्ट है, तो नगांव डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अनाउंस कर देते हैं कि हमारे यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर तारीख को, 28 तारीख को, 20 तारीख को एक ट्रेनिंग सेशन होगा हर महीने. और उस दिन एक्सपेक्टेड रहता है कि जो भी वेमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत की, अर्बन एरियाज़ की, वो आएंगी और उनको फिर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो अपना काम, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए. उसके अलावा एक नियम और बनाया गया है कि पंचायत की सारी मीटिंग अब पंचायत भवन में ही होगी, सरपंचों के घर में नहीं होगी. और पंचायत की सारी मीटिंग पंचायत भवन में होगी और उसमें वो विमेन जो लीडर है वही पार्टिसिपेट करेगी, सरपंच पति और उसके बाकी लोग उस पंचायत भवन में इंटर नहीं करेंगे. ये सब कुछ नियम है. तो इन सब तरीके से कोशिश की जा रही है कि सरपंच पति का कल्चर तोड़ा जाए और धीरे धीरे विमेन की एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लाया जाए, ताकि विमेन का सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो पाए. देखिए, अगर विमेन लीडर्स होंगी तो नेचुरली वो उस तरीके के प्रोविजंस लेकर के आएंगे, नॉर्म्स लेकर के आएंगे, जिससे विमेन को थोड़ा सपोर्ट मिले, विमेन एम्पावरमेंट हो. लेकिन उसके लिए विमेन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका पॉलिटिकली एक्टिव होना भी जरूरी है, पॉलिटिकली एम्पावर होना भी जरूरी है. खाली चुन देने से तो फ़ायदा नहीं होगा ना. तो यही इश्यूज़ है कि वुमेन को अब हमने कानून तो दे दिया है, लेकिन इलेक्ट भी करा दिया, लेकिन कैसे अब उनको पार्टिसिपेट कराया जाए, इसको एक्टिव फॉर्मेट में इस कानून को इम्प्लीमेंट कराया जाए, वो एक चैलेंज है. लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट की माने तो उनका मानना है कि देखिए 20-25 सालों में हालात थोड़े थोड़े बदल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में. धीरे धीरे जो वुमेन मुखिया हैं, सरपंच हैं, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट. इट टॉक्स अबाउट ट्विटर डिप्लोमेसी, जिसको ट्वी डिप्लोमेसी भी कहते हैं, ट्विप्लोमेसी भी कहते हैं, या हैशटैग डिप्लोमेसी भी कहते हैं. तो ट्विटर डिप्लोमेसी के बारे में समझेंगे. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो ट्वी डिप्लोमेसी है क्या या ट्विप्लोमेसी है क्या? देखिए, डिप्लोमेसी ये मतलब ट्विटर डिप्लोमेसी या हैशटैग डिप्लोमेसी का सरल मतलब है कि दुनिया भर के जो लीडर्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं वो ट्विटर का एक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ड्यूटीज़, इन ऑर्डर टू रीच टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़, इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज़. इसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमेसी. और देखिए, जो यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें से 90% से भी ज़्यादा ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बनाया है और अपने मेजर डिसीजंस आजकल वो ट्विटर पे तो ज़रूर अनाउंस करते हैं. अगर दुनिया भर में पॉलिटिकल लीडर्स की डाटा देखी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ द मोस्ट फॉलोड लीडर ऑन ट्विटर, फॉलोड बाई आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. और सुषमा स्वराज बहुत प्रोएक्टिव थी, उनको तो ट्विटर मॉम नाम से भी जाना जाता था, बहुत सारा ट्वीट करती थी वो. और सी वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट फॉलोड फीमेल लीडर ऑन ट्विटर. तो डिप्लोमेसी एक नया फिनोमेना है, ट्विटर की मदद से कैसे हम अपनी डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ नोन एज डिप्लोमेसी.
अभी डिप्लोमेसी से क्या क्या फायदे हुए हैं, कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे अप्रोच बदले हैं, उनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन सब एग्जाम्पल्स को आपको अपने आंसर में लिखना है अगर डिप्लोमेसी पर सवाल आ जाए। देखिए, पहले लीडर्स, दो देशों के लीडर्स कम्युनिकेट करते थे आपस में फॉर्मल तरीके से, लेकिन अब ट्विटर की मदद से वो पब्लिक तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक देश का लीडर दूसरे देश के लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाता है, इसको हम लोग कहते हैं रिटेल डिप्लोमेसी। व्हेन अ लीडर ऑफ अ कंट्री रीचेज आउट टू द सिटीजन ऑफ अदर नेशन, इट इज नोन एज रिटेल डिप्लोमेसी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, ही विश्ड इंडियंस ऑन दिवाली। तो ये एग्जाम्पल होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा डिप्लोमेसी का या रिटेल डिप्लोमेसी का। उन्होंने ट्वीट करके हम इंडियंस को दिवाली की बधाई दी। सो ये एक तरीके का डिप्लोमेसी है जो ट्विटर की मदद से प्रैक्टिस हो रहा है। अब भी पहले कैसा होता था, दो देश के जो लीडर्स हैं वो आपस में बात करते थे, कोई भी अग्रीमेंट हो तो, या कोई भी अगर राइवलरी वाली बातें भी हैं तो आपस में होती थी। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली भी डिस्प्ले होती हैं दो कंट्रीज़ के बीच की राइवलरीज। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने सारे ट्वीट किए ईरान के अगेंस्ट 2014 से लेकर के अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, हैशटैग यूनाइटेड फॉर यूक्रेन ट्वीट फ्रॉम US, इन सब तरह के जो भी अब अप्रोच है। देखिए, अब भारत सरकारों के अपने जो भी पॉलिसीज़ होते हैं, सरकारों के अपने जो फॉरेन इंटेंशंस होते हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, वो काफ़ी हद तक वो पब्लिक भी कर देते हैं थ्रू ट्विटर। दैट इज़ द चेंज इन इंटरनेशनल रिलेशंस बिकॉज ऑफ डिप्लोमेसी या ट्विटर डिप्लोमेसी। लीडर्स आर अर्निंग गुडविल थ्रू ट्विटर डिप्लोमेसी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक इंसिडेंट याद होगा, मैंने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया है कि एक ट्रेन 17-18 घंटे लेट हो गई। राजधानी ट्रेन थी, ऐसे कोई दूसरी इस तरह की ट्रेन थी, प्रीमियम ट्रेन थी, वो 17-18 घंटे लेट हो गई। और उस ट्रेन में फिर एक पैसेंजर ने ट्वीट करके उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया कि देखिए, इतनी देर से ट्रेन लेट हो गई और अब बच्चे भूख से परेशान हो रहे हैं, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, मतलब अपनी परेशानियां बताईं। और आधे घंटे के अंदर सुरेश प्रभु ने रिस्पॉन्ड किया और एक घंटे के अंदर रेलवे ने सब लोगों के लिए खाने पीने का और बाकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी, बेसिक नीड्स, उनका अरेंजमेंट कर दिया। तो मुद्दा ये है कि डिप्लोमेसी या ट्विटर इज हेल्पिंग इन ई गवर्नेंस ऑल्सो, इट इज़ हेल्पिंग इन कनेक्टिंग टू द पीपल ऑल्सो, इट इज़ हेल्पिंग इन डिजिटल इंटरेक्शन और टू वे इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। पहले कैसा होता था, देर हैड बीन जस्ट वन वे इंटरेक्शन, नेता लोग रेडियो पे आए या टीवी पे आए, वहाँ पे उन्होंने अपने बात कह दी, लोग बस सुनते थे, लेकिन लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स होता था उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव कम्युनिकेशन, वो मिसिंग था क्योंकि कोई कम्युनिकेशन मेथड नहीं थे, मींस नहीं थे। लेकिन अब देखिए, ट्विटर की मदद से अब टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में। और इनफैक्ट ये कम्युनिकेशन तो लोगों ने ओरिजिनेट किया जो नेता तक पहुँचा और नेता लोगों ने उस पर फिर एक्शन लिया। कई सारे इस तरीके के, एक देश दूसरे देश को अपना सपोर्ट एक्सप्रेस करता है विथ हेल्प ऑफ ट्विटर। फॉर एग्जांपल, फ्रांस ने ओपनली ट्वीट करके इंडिया को सपोर्ट किया ऑन इट्स कश्मीर पॉलिसी व्हेन इट सेड दैट कश्मीर इज एन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया, नो वन इज एंटाइटल टू इंटरफेयर इनटू कश्मीर इशू। जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, जो कॉमन ग्लोबल इशूज़ हैं, उस पर हम लोग कंबाइंड रूप से डिप्लोमेसी की मदद से हम लोग एक तरीके का कंसेंसस जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैशटैग प्लास्टिक पॉल्यूशन बाई कंट्रीज टू स्प्रेड अवेयरनेस, ये सब चीज़ों से हम लोग इंटरनेशनल इशूज़ पे भी एक कंसेंसस डेवलप कर पाते हैं। उसके अलावा डिप्लोमेसी की मदद से एक कंट्री दूसरे कंट्री के कल्चर को रिस्पेक्ट दे सकता है। फॉर एग्जांपल, इसराइल के डिप्लोमेट्स ने होली सेलिब्रेशंस पे ट्वीट करके हमें बधाई दी। भारत के प्रधानमंत्री ने कई दफ़ा इंटरनेशनल योगा डे को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को मनता है, उस दिन वो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल योगा डे को पॉपुलराइज करने का। और योगा तो आपको पता है, इट इज़ इनहेरेंटली रिलेटेड विथ इंडिया, तो इस तरीके से इंडिया की सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है। तो ये सब कुछ नए अप्रोच हैं इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी दैट हैज़ कम अप बिकॉज ऑफ राइज ऑफ ट्विटर, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमेसी। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, देर आर सर्टेन चैलेंजेज ऑल्सो दैट हैव कम फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ डिप्लोमेसी। होता क्या, कई कबार कुछ लेक लीडर्स फेक न्यूज चला देते हैं, फॉल्स प्रोपोगेंडा रन करते हैं विथ हेल्प ऑफ ट्विटर। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिशियल थे, उन्होंने एक फेक न्यूज स्प्रेड किया, एक फेक वीडियो रिलीज किया ट्विटर पे, शोइंग कि कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जबकि वो वीडियो अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही निकला और पाकिस्तान की और फजीहत हो गई उस मुद्दे पे। लेकिन मुद्दा यह है कि कैसे ट्विटर का दुरुपयोग हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, अब्यूज हो सकता है इन ऑर्डर टू
ट्रोल और इन ऑर्डर टू स्प्रेड फेक न्यूज़ एंड फॉल्स प्रोपागेंडा। कई दफ़ा बॉट्स यूज किए जाते हैं। बॉट्स आपको पता है कि दे आर नॉट रियल ह्यूमंस बट दे आर फेक एंटिटीज जो क्रिएट किए जाते हैं फेक तरीके से, और वो बॉट्स जो हैं कभी कभार हमारे डिप्लोमेट्स को या किसी दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट्स को ट्रॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे देश के मान लीजिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने या फॉरेन सेक्रेटरी ने कुछ ट्वीट किया, अब उस पर बहुत सारा ये डिसलाइक आने लगे या बहुत सारा नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, जिसको कहते हैं ट्रॉल करना। अब वो ट्रॉलर्स कोई जरूरी नहीं कि वो रियल ही हो, कभी कभार बॉट्स भी होते हैं जो कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। इस तरीके का एक ट्रॉल का एग्जांपल है या फिर इस तरीके के बॉट्स का एग्जांपल है वुल्फ वॉरियर ट्विटर अकाउंट ऑफ चाइना। चाइना ने फॉर्मली ये ट्विटर अकाउंट शुरू किया जिसमें कई सारे वो फेक न्यूज स्प्रेड करते हुए पाए गए। कभी कभार तो बॉट्स का भी इस्तेमाल उन्होंने किया दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स के ट्वीट को ट्रॉल करने के लिए। तो ये सब कुछ इशूज हैं, निगेटिव इशूज हैं या चैलेंजेज हैं जो डिप्लोमेसी के कारण राइज हो रहे हैं। ये जो वुल्फ वॉरियर टर्म है ये जरूर याद रखना, ऑफ चाइना, इसका इस्तेमाल जरूर करना अपने आंसर राइटिंग में अगर कभी डिप्लोमेसी पे सवाल आ जाए तो, या फिर यूज ऑफ सोशल मीडिया इन इंटरनेशनल रिलेशंस पे सवाल आ जाए तो डिप्लोमेसी एंड वुल्फ वॉरियर का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट सेज दैट इंडिया इज ऑफिशियली आउट ऑफ रिसेशन, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए करंट न्यूज ये है कि हमारी जो फिस्कल ईयर 2020-21 है उसके थर्ड क्वार्टर में इंडिया ने पॉजिटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर किया। दो ग्रोथ रेट हैज बीन वेरी लेस, इट हैज बीन जस्ट 0.4%, नेवरदलेस इट इज एन गुड न्यूज, क्योंकि पिछले दो क्वार्टर से जो हमारा फिस्कल ईयर 2020-21 का फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर दोनों में ही हमारा ग्रोथ रेट निगेटिव में रहा था। हमारे फिस्कल ईयर 2020-21 का फर्स्ट क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट रहा था -24.38% और सेकेंड क्वार्टर में ग्रोथ रेट रहा था -7.35%। अभी अच्छी बात है कि कम से कम तीसरे क्वार्टर में हम लोग पॉजिटिव में तो आए हैं, और ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि हमारा इतना खराब परफॉर्मेंस इसलिए रहा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19। अभी मुद्दा यह है कि हम रिसेशन से बाहर आ चुके हैं, तो एक बार जरा समझ लेते हैं कि रिसेशन का क्या मतलब होता है। देखिए टेक्निकली रिसेशन इज डिफाइंड एज व्हेन एन इकोनॉमी श्रिंक्स फॉर टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, दैट मीन्स फॉर सिक्स मंथ्स, देन इट इज नोन एज रिसेशन फॉर दैट कंट्री, एंड इफ इट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स और फॉर मोर देन टू कंजेक्यूटिव क्वार्टर्स देन इट इज सेड दैट द इकोनॉमी हैज मूव्ड इनटू डिप्रेशन। तो ये दो टेक्निकल टर्म्स याद रखना, रिसेशन और डिप्रेशन इतनी बार इस्तेमाल हुआ है हमारे इस बार करंट अफेयर्स में कि हो सकता है कि आपसे रिसेशन डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिया जाए। तो इंडियन इकोनॉमी ऑफिशियली पहली बार आज़ादी के बाद रिसेशन में गई इन द फिस्कल ईयर 2020-21। इस बात को ध्यान रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल वो पूछ लेंगे यूपीएससी में कि इंडियन इकोनॉमी वाज वंस इन अ रिसेशन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा पहली बार इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में गई है। क्वार्टर वन में हमारा ग्रोथ रेट -23.9, क्वार्टर टू में ग्रोथ रेट -7.35%, एंड दैट इज हाउ वाई इंडियन इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट इनटू टेक्निकल रिसेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन अच्छी बात यह है, पॉजिटिव खबर यह है कि तीसरे क्वार्टर में हमने 0.4% का पॉजिटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर कर दिया, और इसके साथ ही हमने कम से कम डिप्रेशन में जाने से तो अवॉइड कर दिया इंडियन इकोनॉमी को, अदरवाइज वी कुड हैव मूव्ड इनटू डिप्रेशन एज वेल, टेक्निकल डिप्रेशन एज वेल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट कारकाल, दैट इज अ वाइल्ड कैट दैट हैज मूव्ड इनटू क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें भारत सरकार की एक पॉलिसी है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, इसको समझना होगा। देखिए इस पॉलिसी को, इस स्कीम को मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ विथ रिस्पेक्ट टू कारकाल, लेकिन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आ रहा है हमारे मीडिया न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स में, तो मुझे लगता है कि ये पक्का से आएगा यूपीएससी में, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट से कम 15 सवाल हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। इस कारण से मैं इसको दोबारा कवर कर रहा हूँ, तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे मैं फिर बताऊँगा। अदरवाइज 9 जनवरी के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने इस आर्टिकल को कवर किया था, बट सिंस इट हैज़ कम अगेन बिकॉज ऑफ ए रिसेंट नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट, आई एम कवरिंग इट अगेन। देखिए एक भारत सरकार की स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। इस स्कीम में तीन कॉम्पोनेंट है। पहला कॉम्पोनेंट है सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरिया, जो भी हमारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उन सब या प्रोजेक्ट टाइगर वाले एरियाज हैं, उन सबको, जिनको टाइगर रिजर्व कहते हैं, उन सबको कैसे प्रोटेक्शन देना है वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स में। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आउटसाइड में भी जो वाइल्ड लाइफ है, फॉर एग्जांपल जू वगैरह में या फिर रिजर्व फॉरेस्ट में भी वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो सब इस स्कीम में देखा जाता है।
और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस स्कीम का, उसका नाम है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट्स एंड स्पीसीज। इस कंपोनेंट के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज डिफाइन किए जाते हैं कि ये स्पीसीज हमारे हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और उनके प्रोटेक्शन के लिए फिर स्पेशल स्टेप्स लिए जाते हैं। तो देखिए, जब इस स्कीम को अनाउंस किया गया था 2016 में, तो इसमें 17 ऐसे स्पीसीज थे जिनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला गया था। फिर 2018 में 4 और ऐड कर दिए गए। अब करंट न्यूज़ ये है कि इसमें, इस लिस्ट में ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में एक और स्पीसी ऐड किया गया है, वो है कारकाल। अभी कारकाल क्या है, कारकाल बार बार न्यूज में आ रहा है, इस कारण से इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ घुमा फिरा करके वो सवाल जरूर पूछेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो कारकाल है, जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के जो सब प्रोग्राम है, रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके अंतर्गत क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में डाला गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि IUCN के रेड डाटा बुक में भी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सरकार एक स्कीम चला रही है जिसमें हमने 22 ऐसे स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और IUCN रेड डाटा बुक एक अलग है, जहां पे IUCN जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज या इंडेंजर्ड या वल्नरेबल स्पीसीज का कैटेगराइजेशन करती है, वो एक अलग है। और हमारे देश में ये वाइल्ड कैट, जिसको कारकाल भी कहते हैं, इसकी पॉपुलेशन घट रही है, इस कारण से हमने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाला है और इसकी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कारकाल इस कैटेगराइज एज लीस्ट कंसर्न इन IUCN रेड डाटा बुक। हमारे यहाँ पे, हमारे इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन IUCN रेड डाटा बुक में ये लीस्ट कंसर्न है। कारकाल के बारे में जरा समझ लेते हैं। देखिए, एक वाइल्ड कैट है, जंगली बिल्ली है, एंड इट इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। इसको हमारे देश के अंदर लोकल नाम जो है इसका, उसका नाम है सिया घोष, जो कि एक पर्सियन नाम है। सिया घोष का मतलब होता है ब्लैक ईयर। देखिए, ये जो कारकाल है, ये इसके कुछ अपने खासियत है, जैसे कि ये बर्ड्स को उछल करके पकड़ लेता है कभी कभार। उसके अलावा इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, तो मतलब एशिया के अंदर और उसके अलावा अफ्रीका के अंदर ये मिलता है। और ये जो कारकाल है, जो वाइल्ड कैट है, इसकी जो सबसे स्पेक्टेकुलर फीचर है वो इसके कान है, और कान के कारण इसके नाम पड़े हैं इस तरीके के। फॉर एग्जांपल, सिया घोष हम इंडिया में बोलते हैं, दैट मींस ब्लैक ईयर, वैसे ही इसको कारकाल जो नाम है वो टर्किश वर्ड कराकुलुक नाम से पड़ा है। कराकुलुक एक टर्किश वर्ड है, टर्की का शब्द है, जिसका मतलब होता है ब्लैक ईयर, और वहीं से इसका नाम कारकाल पड़ा है। तो हो सकता है आपसे इससे रिलेटेड भी PT में सवाल पूछ लिया जाए कि इसका सबसे स्पेक्टेकुलर फीचर क्या है, या इसका कारकाल नाम कैसे पड़ा है, दैट मीन्स वॉट, ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट महामृत्युंजय टेम्पल ऑफ असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने महामृत्युंजय टेम्पल में पूजा की। अब महामृत्युंजय टेम्पल न्यूज़ में आ गया, तो इस कारण से कम APSC एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो महामृत्युंजय टेम्पल है, दैट इज़ लोकेटेड एट भरबेरी इन नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, और इसके अंदर 126 फीट ऊंचा शिवलिंग है। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, और उसके अलावा जो ये शिव टेम्पल है, ये एशिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल है। ये महामृत्युंजय शिव टेम्पल इज़ कंसिडर्ड टू बी एशियाज लार्जेस्ट टेम्पल, शिव टेम्पल, और ये जो शिवलिंग है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाता है। इसकी हाइट 126 फीट है। ये जो टेम्पल है महामृत्युंजय टेम्पल, इसका नाम पड़ा है महामृत्युंजय आफ्टर द महामृत्युंजय मंत्र। तो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र मंत्र या त्र्यंबक मंत्र, ये तीनों एक ही बात है। ये महामृत्युंजय मंत्र वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड इन ऋग्वेदा एज ए हिम, और ये इसको महामृत्युंजय या त्र्यंबकम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान शिव को हम लोग त्र्यंबक बोलते हैं। त्र्यंबक मतलब थ्री आइड, आपको पता भगवान शिव के तीन आँख हैं, तो इस तरीके से इसको महामृत्युंजय मंत्र या त्र्यंबकम मंत्र भी कहते हैं। इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड इन ऋग्वेदा, बाद में इसका जिक्र यजुर्वेद में भी है, लेकिन पहले इट वॉज फाउंड इन ऋग्वेद। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल PT टॉपिक्स फॉर अपकमिंग APSC, टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 442। टॉपिक नंबर 440 इज अबाउट बतद्रव थान, इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमंत शंकरदेव, आप जानते ही होंगे, एंड इट इज़ एट बोरदोवा इन नगांव डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ, एंड होगा क्या, इस बात को ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। बतद्रव
Thaan is being developed according to a government of India project in line with Amritsar Golden Temple. तो इसको इस तरह से develop किया जाएगा. अभी दिक्कत क्या है कि ये area देखिए काफ़ी sacred place है, यहाँ पर शंकर देव का जन्म हुआ है, लेकिन अभी वहाँ पर उसको काफ़ी हम religious तरीके से religious tourist destination की तरह हम इसको develop नहीं कर पाए. तो वहाँ पर कुछ structures build किए जाएंगे ठीक वैसे ही जैसे अमृतसर का golden temple है, और इस तरह से structure build किया जाएगा कि एक religious टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन पाए बत्रदौ थान एट बोरदोवा. और ये प्रोजेक्ट जो है वो 188 करोड़ का है जिसको हाल फिलहाल में स्टार्ट किया गया है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 440. टॉपिक नंबर 441 इज अबाउट बोडो साहित्य सभा. बोडो साहित्य सभा प्रमोट्स बोडो लैंग्वेज एंड बोडो लिटरेचर. इट वॉज फाउंडेड अंडर द प्रेसिडेंसी एंड लीडरशिप ऑफ जॉय भद्र हागजर एट बासुगांव इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोकराझार ऑन 16 नवंबर 1952. प्लीज अटेम्प्ट दिस टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 441. टॉपिक नंबर 442 इज अबाउट शकुंतला द असमीज फिल्म. इट वॉज रिलीज इन 1961. दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाई भूपेन हजारिका एंड इन द 9th नेशनल फिल्म अवार्ड इन 1962 द असमीज फिल्म शकुंतला वॉज अवार्डेड विद द प्रेसिडेंट्स सिल्वर मेडल फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन एसएमईज. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 442. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 437 टू 439 दैट वी हैड गिवन इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस. टुडेज क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. विल बी शेयरिंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन टुमारोज न्यूज़पेपर एनालिसिस. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. टाइटल्स लाइक कन्नड़ राजे राम रमन एज बिलोंग्स टू नाइदर ऑफ देम. सो the correct answer will be option D, none of the above. Second question was regarding Maniram Diwan, who along with Maniram Diwan was sentenced to death. The answer will be Pioli Borua, so the correct answer will be option B. So that's all from our side for today. Thanks for watching.